Good morning, class 12th. We are discussing chapter 4. And today we'll discuss planning process. Children, any point can be changed when we are discussing advantages, disadvantages or features. But steps will not change when we are discussing any of the process. Okay, this I have told you several times. स्टेप्स में आप जैसे सेकेंड ये पॉइंट है डेवलपिंग प्रेमिसेस, इसको फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते. ओके, सो ये इसका सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा. सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर पहले ये है तो पहले यही आएगा. ठीक है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, एवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. तीन तो ऑल्टरनेटिव भी है, लिस्टिंग, एवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग. Then sixth is implementing the plan and last is follow-up. Now let's discuss one by one. First point of process is setting objectives. Objectives specify what the organization wants to achieve. For example, objective ho sakta hai kisi bhi organization ka to increase in sales by 20%. Ye objective ho sakta hai. Okay, ye दूसरा और ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 10%. ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है. ओके, देन ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड क्लियरली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स एंड एम्प्लॉयज, सो दैट दे मे गिव डायरेक्शंस टू ऑल द डिपार्टमेंट्स. इफ एंड रिजल्ट इज क्लियर, इट बिकम्स ईजियर टू वर्क टूवर्ड्स द गोल. अगर एंड रिजल्ट क्लियर है तो गोल के लिए काम करना इजी हो जाता है. जैसे अभी से अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है दैट व्हाट यू वांट टू बिकम, लाइक सीए और लॉयर और अकाउंटेंट, और यू वांट टू गो इन बैंक, देन your all the efforts would be in that direction only. You would prefer to take coaching in that particular field. So end result should be clear. Okay, we also always keep on telling you. Okay, second point is developing premises. Developing premises means assumptions about the future. फ्यूचर के बारे में एज्यूम करना. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि फ्यूचर में कौन कौन से एक्शन किए जाएंगे, विच इज क्वाइट अनसर्टेन. और फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें की जाएंगी ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हैं. ठीक है, किसी ने क्या सोचा होगा कि इस तरह की पेंडेमिक की सिचुएशन आएगी और सबको घर बैठना होगा, तो फ्यूचर इज क्वाइट अनसर्टेन. सो एवरी मैनेजर हैज़ टू make certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. Future ko assume karna, future ke baare mein kuch cheezein soch ke aur kuch action decide karna, unko mind mein pehle se soch ke rakhna, ye sari premises hain. Theek hai, premises fail ho sakti hain because future is uncertain, but then also it is manager's task to make some premises about the future. Forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. और premises कैसे develop करते हैं उसके लिए forecast करते हैं, पूर्व में अनुमान लगाते हैं. Okay, और information gather करते हैं. अब information किस किस चीज़ के बारे में gather करते हैं? Forecasts can be made for interest rates, कि country में interest rates क्या होंगी, policy change, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें अगर चेंजेस अगर होने ड्यू हैं गवर्नमेंट कर सकती है. ऐसा अगर हमें ऐसा एहसास हो रहा है, हमें मींस मैनेजर को ऐसा लग रहा है, ओके, तो फॉरकास्ट उसके लिए कर सकता है. पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइसेस ऑफ फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, तो इन सब के बारे में फॉरकास्ट किया जा सकता है. नाउ थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज identifying alternative course of action. अब alternative course of action क्या होगा? Suppose अगर if the objective of a company
is growth of business, then company has various alternatives like expansion of same product line, diversifying in new areas or joint venture. ग्रोथ है बट ग्रोथ के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. ठीक है, कंपनी सेम प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकती है और दूसरे प्रोडक्ट्स दूसरे एरियाज में डाइवर्सिफाई कर सकती है और या फिर जॉइंट वेंचर करके और कुछ अलग चीज़ कर सकती है. ठीक है, तो ये जो उस सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना. अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, उसके बाद क्या आता है, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, विच मींस टू कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव. हर एक अल्टरनेटिव के क्या प्रोज हैं, क्या अच्छी बातें हैं और क्या उसके उसमें प्रॉब्लम्स हैं या क्या उसमें नेगेटिविटी है. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव शुड बी थॉरली एग्जामिन्ड. ओके, for example in financial plans the risk return trade off, ये एक risk return trade off एक term है जो कि financial plans में अक्सर ये mind में रखी जाती है, which is very common, जिसका मतलब होता है अगर risk higher है तो return भी higher होगी. ठीक है, अगर higher risk है then return also would be higher, अगर रिस्क लोअर है तो रिटर्न भी स्मॉलर होगी. ओके, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अ बैलेंस अचीव्ड बिटवीन टू डिजायरेबल बट इनकम्पैटिबल फीचर्स. ठीक है, इनकम्पैटिबल फीचर्स, ये जो रिस्क और रिटर्न है ये इनकम्पैटिबल फीचर्स हैं. ठीक है, दोनों ही जो है वो डिजायरेबल है कि दोनों ही होंगे, हायर रिस्क में हायर रिटर्न होगी और लोअर रिस्क में लोअर रिटर्न होगी, स्मॉलर रिटर्न होगी, इसका मतलब होता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. ठीक है, ये एक जैसे एक टर्म है जो जनरली बिजनेस में यूज की जाती है. जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये चीज जरूर ध्यान रखी जाती है. ओके, तो उनको मतलब उनमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, उनको इवेल्युएट करके आइडेंटिफाई हो गया, इवेल्युएट हो गया, अब उसके बाद सेलेक्ट. ठीक है, अब सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, उसके बाद अल्टरनेटिव किसी न किसी को तो सेलेक्ट करना ही होगा. ओके, किसी न किसी पाथ पे आगे तो बढ़ना ही होगा. तुमने बहुत सारे ऑप्शन है, बैंक में जाना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, बट कोई एक तो चूज तुम्हें करना ही होगा ना. द सेलेक्टेड अल्टरनेटिव शुड बी मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. सब कोई ऐसा ही करता है. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फिजिबल होगा या प्रॉफिटेबल होगा. ठीक है, और उसकी नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, वो सब वो बहुत ज़्यादा लीस्ट होंगे, वो कम से कम होंगे. समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स मे बी सेलेक्टेड इंस्टेड ऑफ वन बेस्ट कोर्स. जब दोनों में से दोनों ही प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेलेक्ट किया जा सकता है कि कुछ पार्ट, कुछ जो जैसे ग्रोथ वाला हमने एग्जांपल देखा था, तो ग्रोथ में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, लाइक कंपनी में चूज एक्सपेंशन ऑफ सेम प्रोडक्ट लाइन और डाइवर्सिफाइंग इन न्यू एरियाज. समटाइम्स इट मे चूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द प्लान्स. ओके, after preparing the main plan, organization has to make number of small plans to support main plan. ठीक है, एक बड़ा प्लान बना लिया, उसके बाद छोटे छोटे प्लान्स बनाने होंगे. And to perform routine jobs, these small plans are derived from the major plan, so they are known as derivative plans. ठीक है, major plan से ही छोटे छोटे plan बनाए जाते हैं और उनको derivative plans बोलते हैं. Children, ये इतना सारा सब कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. When question will come, only one paragraph is enough. But all the things
एक्चुअली आर रिलेटेड एंड व्हेन यू विल रीड इन बुक एंड यू मे आस्क मैम मैम आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर. ओके, बट इन एग्जाम प्रोसेस आती है, प्रोसेस में भी क्या आता है, सपोज दो पॉइंट्स का उसमें केस स्टडी में हिंट दे रखा होता है, विच प्रोसेस इज डिस्कस्ड अबाउट इन गिव नेक्स्ट फोर पॉइंट्स ऑफ दैट प्रोसेस. ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी आती है जनरली, तो आपको बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. ओके, देन आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, उसके बाद में फाइनली अब इम्प्लीमेंट तो करना ही है. ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, एवेल्युएट कर लिया एंड देन सेलेक्ट कर लिया, अब उसको फाइनली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शंस ऑल्सो कम इन टू पिक्चर. प्लान्स आर नो यूज अंटिल दीज आर पुट इन टू एक्शंस. जब तक उनको एक्शन में नहीं लाया जाए वो उनका कोई यूज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी वुड बी रिक्वायर्ड. ओके, so this step would also involve organizing for labor and purchase of machinery. तो अगर अब plan है, ठीक है, तो production increase करना है, तो उसके बाद जो बाद में जो उसके supplementary action होंगे कि labor अगर उसको ज़्यादा उसको चाहिए और machineries और चाहिए, तो इसके लिए भी उसको उन चीजों पे फोकस करना होगा. आफ्टर दैट फॉलो अप एक्शन. अब लास्ट में फॉलो अप एक्शन होगा कि लास्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल. ठीक है, अब शेड्यूल कि अकॉर्डिंग सारी परफॉर्म हुई थी या नहीं हुई थी. जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो सारे पीरियड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ओके, तो वो सारा फॉलो अप एक्शन है और वो कौन लेगा? मैनेजमेंट. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज टारगेट है टू प्रोड्यूस 12,000 कार्स. अब उसके लिए प्लान जो होगा, कार प्रोड्यूस पर मंथ वुड बी 1,000. अगर 12,000 कार्स प्रोड्यूस करनी है ईयर में, तो 1,000 कार पर मंथ प्रोड्यूस करनी होगी. सो अगर शॉर्टेज है, ओके, अगर 1,000 से कम कार्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तब क्या मैनेजमेंट को करना होगा? दैट नेसेसरी एक्शन मस्ट बी टेकन. कि क्यों कार कम प्रोड्यूस हुई, तो उसके लिए नेसेसरी एक्शन उसको वो लेना होगा. तो ये फॉलो अप एक्शन ही जो है ये कंट्रोल है, कंट्रोलिंग है. इसीलिए तो कहते हैं ना, कंट्रोलिंग स्टार्ट्स विद द प्लानिंग फंक्शन. ओके, एंड प्लानिंग फंक्शन एंड्स विद द कंट्रोलिंग फंक्शन. और इसीलिए ये जो सारे जो फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं, POSDC, ये सी सबसे लास्ट में है और पी सबसे पहले. ओके, नाउ आफ्टर दिस वील बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ प्लान्स. अब टाइप्स ऑफ प्लान्स जो हैं वो दो तरह के हैं. ओके, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. पर उससे पहले प्लान क्या है? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी that outlines how goals are going to be met. It is a document which shows the detailed scheme and program and strategy. Okay, that how goals are going to be met or how goals are going to be achieved. दो तरह के हैं, single use, standing. अब single use क्या है? Single use means one time plan. Okay. These are made for handling non-recurring problems. जो बार बार जो जिस तरह की problems आती हैं अगर business में, तो उसके लिए single use plan नहीं होंगे. उसके लिए ऐसे plan होंगे जिनको कि
उनको बार बार यूज किया जा सकता होगा, ठीक है। अगर नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए ही तो सिंगल यूज प्लान होंगे, लाइक बजट और प्रोग्राम, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, एट टाइप्स के प्लान होते हैं, तो एट टाइप्स में से बजट और प्रोग्राम जो हैं ये सिंगल यूज प्लान है, ओके। एंड बाकी जितने भी सारे प्लान्स हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स हैं, ठीक है, यूज फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बार बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जो प्लान होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, लाइक पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, ओके। नाउ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स, द डिफरेंस आर गिवन, बट दीज डिफरेंसेस विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।